साथ प्रियंका तिवारी खबरों को विस्तार से जानेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि जितना धर्मांतरण बीजेपी के 15 सालों में हुआ उतना पहले ना हुआ है और अब ना हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है किसानों के आय दुगुना करने के और इस साल जो एमएसपी में वृद्धि हुई है उसके बारे में बढ़ चढ़ के दावा कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि यूपीए के समय में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2004 से लेकर 2014 तक के और मोदी जी 2014-15 से लेकर 2023-24 यदि तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो धान में हमारे समय में 134% की वृद्धि हुई है, जबकि उसके समय में केवल 61% की हुई है। जवार में 191%, उसके समय में इनके समय में 108। बाजरा में 143% हमारे समय में वृद्धि हुई, इसके समय में 100%। रागी में 191% हमारे समय में, उनके समय में 148। मक्का में 150%, इनके समय में मात्र 60%। अरहर में 209%, इनके समय में 61%। मूंग में 219%, इनके समय में 86%। उड़द में 205%, इनके समय में 60%। मूंगफली में 167%, इनके समय में 69%। सूरजमुखी में 176%, इनके समय में 80%। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को गुंडा और अपराधी बताया। उन्होंने कहा कि सपा ने कभी गुंडों को बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन बीजेपी में इस समय गुंडे और अपराधी भरे पड़े हैं। ज्यादातर अपराधी बीजेपी के विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। देखिए जहां पर न्यायालय में और पुलिस संरक्षण में अब इस तरीके से हत्याएं हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से विफलता है। वकील अभी भी स्ट्राइक में हैं। वकील अभी भी स्ट्राइक में हैं। देखिए अब न्यायालय में अगर इस तरीके की हत्याएं हो जाए तो पूरी सरकार की विफलता है। फिर लाइन आर्डर नाम की चीज कहाँ? पूरी तरह से लाइन आर्डर इस समय ध्वस्त है। अब रोज देख रहे होंगे ना, इससे पहले भी इलाहाबाद में देखी है आपने किस तरीके से अतीक और पुलिस संरक्षण में हत्या हो जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेकर मौन क्यों है? कहीं मौन नहीं है, समाजवादी पार्टी मौन नहीं है बिल्कुल। हम लोग इसीलिए तो कार्यकर्ताओं को अधिकतर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लाइन आर्डर जो पूरी तरह से ध्वस्त है, पूरी तरह से सरकार विफल है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ईडी के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कहा कि ईडी ऑफिस जयपुर में एक नई शिकायत देने यहां पर आया हूं। बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ शिकायत देने के लिए किरोड़ी लाल मीना ईडी के ऑफिस पहुंचे। इस दौरान अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की है। चुनाव होते हैं और जहाँ विपक्षी पार्टी होती है, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, हाँ अगर निष्पक्ष काम करे वो बिना दबाव के तो हम तो स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि अगर वो एजेंसी देश की है वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। और अगर मान लो वो एजेंसी काम अच्छा करती है, निष्पक्ष करती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुभव कहता है कि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं और जहाँ विपक्षी पार्टी होती है वहाँ ईडी को भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, इनकम टैक्स भेज देते हैं, लिस्ट देके भेजते हैं। सुना मैंने वो
कहते आप इसमें देखो कौन कहाँ का जाना है आपको, कांग्रेस के नेताओं कौन सहयोग कर सकता है सपोर्ट कर सकता है, ये परंपरा उचित नहीं है। ईडी के अधिकारियों को, सीबीआई अधिकारियों को, इनकम टैक्स अधिकारियों में कहना चाहूँगा, कृपा करके आप दबाव में काम नहीं करें। आपने शपथ ली है नौकरी के वक्त में, आपका दायित्व है, जैसे हम लोग राजनीति में है उसी ढंग से आपका दायित्व है कि आप निष्पक्षता से काम करें, न्याय सुनिश्चित करें सबके सामने साथ में, और दबाव में नहीं आया। बस मेरा इतना ही कहना है। सर, जनता को बड़ी राहत मिल रही है, अब कई क्या नई योजना आपको अभी जनता के लिए कोई विशेष? अब आगे मैनिफेस्टो तैयारी हो रही है, तो बताएंगे हम और क्या करते हैं। नाबालिग पहलवान के पिता के झूठी शिकायत की बात कबूलने के बाद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में नया मोड़ आ गया। पिता ने कहा कि उन्होंने WFI प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ हुई नाइंसाफी से नाराज थे। जब इस पर भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी पुलिस जांच कर रही है, 15 तारीख तक सरकार ने वादा किया है कि पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, 15 जून के बाद अगर बोलने की जरूरत होगी तो बोलूंगा। कर रही है, 15 तारीख को तक सरकार ने वादा किया है कि चार्जशीट फाइल होगी। छोड़ दीजिए आप, छोड़ दीजिए। 15 तारीख तक पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी, 15 तारीख के बाद अगर बोलने की जरूरत होगी तो बोला जाएगा जी। अभी मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में मुझे कुछ बोलना चाहिए। ब्रजभूषण जी, एक सवाल और, 11 तारीख को एक रैली है बीजेपी का महासंपर्क अभियान की, एक बड़ी रैली होगी, उसमें तो आप पार्ट लेंगे सर? 5 की कैंसिल नहीं, वो थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए सर, वो रैली पार्टी की है। हाँ जी, हाँ जी, वही ठीक। और देश के हर संसदीय क्षेत्र में उस रैली का होना है जी, उसकी तारीख भी प्रदेश के द्वारा दी गई है, और वो रैली 11 जून को मेरे लोकसभा के अंतर्गत रखी गई है। उस रैली का इससे कोई संबंध नहीं है। सर, क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई है, 15 तारीख तक जो भी समय दिया गया है रेसलर्स को, लेकिन बीच में डेवलपमेंट्स आई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यही माइनर वाले केस के, हालांकि कोर्ट में मामला आपने कह दिया, लेकिन क्या लगता है 15 तारीख तक क्या निकलेगा सर? देखिए, कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा आप भी करें, हम भी करें, देश करें। ठीक है। तो वहीं महाराष्ट्र में उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में बजरंग बली से मदद नहीं मिली, इसलिए अब वो औरंगजेब और टीपू सुल्तान जैसी ऐतिहासिक हस्तियों से जुड़े मुद्दों को उठा रही है। उद्धव ठाकरे नीत पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सदस्य राउत ने महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा की हालिया घटनाओं के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। देखिए, गोरसे के औलाद को यहाँ कोई महत्व नहीं देता है, जो होगा वो होगा, लेकिन औरंगजेब के बारे में हमारी एक भूमिका है, 400 साल पुरानी है, वो रहेगी। औरंगजेब महाराष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए आया था, वो ऐसा मुगल शासक था, उसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, धर्मांतर किया, ऐसी बातें की। छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज का स्थापन करने के लिए औरंगजेब से लड़ना पड़ा, वो पूरा इतिहास आप देख सकते हो, इतिहास में बन्नों बन्नों पर छत्रपति शिवाजी महाराज के शूरता का गौरव, और छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सैन्य ने, उनके लोगों ने औरंगजेब को इस मिट्टी में ही दफनाया, ये इतिहास है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। कर्नाटक कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस पंकज कायर भी उन्हें टेक्स्ट बुक में जगह नहीं देनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं, कर्नाटक में आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन देश के इतिहास में जिसका जिसका भी योगदान है, वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी राजकीय पार्टी का हो, धर्म का हो, उनको टेक्स्ट बुक में मान्यता मिलनी चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं है, है तो है, आप निकाल नहीं सकते। सरकार को जिम्मेदार ठहराऊंगा मैं, इस राज्य के गृह मंत्रालय को ठहराऊंगा, मुख्यमंत्री को ठहराऊंगा,
जिस तरह से कोल्हापुर हो, नगर हो या और शहरों में जिस प्रकार से दंगे भड़के हैं या भड़काए गए हैं, उसके पीछे कौन है? औरंगजेब के नाम से 400 साल बाद भी इस महाराष्ट्र में दंगे होते हैं। जिस औरंगजेब को हमने 400 साल पहले महाराष्ट्र में दफनाया है, उसे अपने दार राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिंदा किया जाता है बार बार, इसलिए कि कर्नाटक में बजरंगबली की जादू नहीं चली, तो आप औरंगजेब को लेकर यहाँ राजनीति करते हो। वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 23 जून को पटना में देश की सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक होने वाली है। अब इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने करारा तंज कसा है। गुरुवार को चिराग पासवान ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक तरफ बिहार में पुल नहीं बना पा रहे और चले हैं विपक्षी ब्रिज बनाने। चार दिन बिल्कुल होनी चाहिए, जांच बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बिहार की जांच पर भैया कौन विश्वास करेगा? अगर इन्होंने सही में अगर इन्होंने जांच करवाई होती और अगर ढंग से जांच हो गई होती तो वही पुल दोबारा इस तरीके से नहीं टूटता, इस तरीके से नहीं गिरता। पहली जांच की रिपोर्ट, उस वक्त भी भाई बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि पता नहीं IIT रुड़की और कहां से क्या, कहां है वो रिपोर्ट भाई? किसकी जानकारी में? पुल निर्माण में था, टूट गया, दो दिन चार दिन हल्ला हुआ, सब हुआ, जांच होगी, ये होगा, कार्रवाई होगी, उसके बाद क्या किया मुख्यमंत्री जी ने? हाथ पे हाथ धर के तकिए के ऊपर सर रख के सो गए। उसके बाद दोबारा उनकी नींद कब टूटती है? जब वही पुल पुनः टूट जाता है। और भाई कब से, दशकों से इस पुल के निर्माण का कार्य चल रहा है, कितनी बार इसकी राशि बढ़ाई गई है और इस तरीके से राशि बढ़ती गई, अगर मेरी जानकारी सही है तो 600-700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, अभी हाल में जब ये टूटा है तो 1700 करोड़ पर आ गया, अभी इसके बाद अगर दोबारा होगा तो ये 2500-2600 करोड़ तक ये जाएगा। तो ये पैसा किसका जा रहा है भैया? टैक्स पेयर्स का ये पैसा जा रहा है, और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की देन चढ़ रहा है ये पैसा। तो ऐसे में जरूर इसकी राष्ट्रीय केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की जांच पर ना बिहार को विश्वास है ना बिहारियों को विश्वास है। अच्छा, अब यही देखिए, ये दोनों प्रश्न कितने हास्यास्पद लगते हैं सुनने में एक साथ। एक तरफ जो मुख्यमंत्री बिहार में पुल नहीं बना पा रहे, वो विपक्षी ब्रिज कायम कर। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गुरुवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर थे। वे संभागीय मुख्यालय जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जोरदार तंज कसा। उन्होंने कहा कि यहाँ के कका नहीं बल्कि खाका है जो भारत के पैसे को खा गए। सरकार ने देश के गरीबों के लिए जो काम किया उसको मैं बताने आया था, और यहाँ कांग्रेस की सरकार मोदी सरकार की योजनाओं को इतनी नफरत कि गरीबों को पक्का मकान भी नहीं दे पाया, इतनी नफरत। रमन सिंह को धन्यवाद जिन्होंने 1 रुपये से 35 किलो अनाज वाली योजना को वो बंद नहीं कर पाया, लेकिन मोदी जी के 5 किलो मुफ्त अनाज को गरीबों को नहीं देने का काम किया है सरकार, वो जाने वाली सरकार है। अगर उस सरकार को किसानों के हित की बात हो तो मोदी जी ने 1300 से 2200 रुपया धान की कीमत ले गया, इन्होंने 2500 रुपया कहा था। तो मेरा निवेदन होगा मुख्यमंत्री जी, आप 2500 रुपया अपना पैसा दें और साथ में
2200 रुपया मोदी जी वाला भी दें एक मुश्त पीछे का, क्योंकि आगे तो आपकी सरकार रहेगी नहीं, इसीलिए बैक लॉग 5 साल का 2500 से हिसाब से चुकता कर। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्घटना स्थल का जायजा लेने पहुंची थी। उन्होंने वहां इस हादसे में उड़ीसा सरकार की हर संभव मदद करने का वादा भी किया था। ममता बनर्जी ने इस हादसे पर बात करते हुए कहा कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सरकार मिलकर इस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वे मुफ्त में चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि इस दौरान सीएम ममता बनर्जी रेल हादसे की सीबीआई जांच पर बीजेपी पर आक्रामक नजर आई। सुनाएंगे। है तो कैसे होगा, कुछ तो हुआ, 3 ट्रेन एक साथ पे क्या हुआ है निकालने का बात वो लोगों का है, लेकिन हमारा पास गवर्नमेंट है, इसी के लिए हम जो भी मर्जी कर सकता है, ये नहीं हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन का एक सिस्टम होता है, एक एक आदमी एक एक दिन एक एक रकम कहे पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन माफी, इसमें जिंदगी तो वापस नहीं आएगा। जो खून हमने देखा, जो लाश हमने देखा, जो आंसू हमने देखा, उसका कौन, उसका कोई फेथ कौन देगा, उसका क्लारिफिकेशन कौन करेगा। हम इसको विश्वास पूरा नहीं करते, ऐसे के लिए 2 दिन का माफी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है। आज तक ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का रिजल्ट नहीं निकाला, मैंने सीबीआई को दिया था। हमारा समय में वो दो एक्सीडेंट जो हुआ था सीपीएम ने किया था, और थोड़ा लोग है उसका साथ, हम जानबूझ के सीबीआई को दिया था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। सीबीआई को देते हैं जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता है, ये तो पहले से सप्रेस कर दिया। सेफ्टी रिव्यू कमीशन को रिपोर्ट करने से टाइम लगता है। हम रेल में 3 साल काम करके आया, मैं रेल को हाथ का मुट्ठी का माफी पहचानता है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर खेत में काम करते समय एक युवक की जेब में रखा मोबाइल ब्लास्ट हो गया। इस दौरान हड़कंप देखा गया। बता दें कि ये पूरा मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के सताव गांव का है, जहां के रहने वाले एक युवक ने पिछले 5 महीने पहले एक एंड्रॉइड मोबाइल खरीदा था। युवक खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक मोबाइल में ब्लास्ट हो गया। हालांकि युवक को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन मोबाइल पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। अगली खबर यूपी के मुरादाबाद से है, जहां प्रेम प्रसंग के मामले में एक युवक को गोली मार दी गई। नाजुक हालत में युवक को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। युवक की छाती, सिर और पेट में गोलियां लगी हैं। वहीं घटना की सूचना पाकर अस्पताल पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गोली मारी मेरे बच्चे के। ताजपुर मिलक थाना करगल क्षेत्र में एक लड़का जिसका नाम नकुल है, उसको उसी का एक परिचित लड़का उसने उसे बुलाया था वहाँ पर, और उसी दौरान उसने उस पर फायर किया, उसकी गोली लगी है उसको। उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया था, जहां उसका अभी इलाज चल रहा है। और इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो घायल है उसका ये कहना है कि जिस लड़के ने उस घायल को गोली मारी है, उसका किसी लड़की से कोई उसका प्रेम संबंध था, और इस लड़के ने उस लड़के को जिसने गोली मारी है, जिसका नाम संजय है, उसने इसको किसी बात पर टोक दिया था, और उसी को लेके इसके मन में कोई बात थी और उसने इसको आज गोली मारी है। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। दरअसल स्मृति ईरानी के काफिले के सामने नौकरी से निष्कासित युवक कूद गया, जिसे पुलिस ने तत्काल प्रभाव से हिरासत में ले लिया है।
तो वहीं स्मृति ईरानी ने युवक का मेडिकल कराने के तुरंत निर्देश दिए हैं। बार बार कहा कि बदलाव की भावना से हम अमेठी आए और बदले की भावना से हम अपनी राजनीति नहीं करते। बता दें कि अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शुक्रवार को अपने एक दिवसीय संसदीय क्षेत्र भ्रमण पर सलून विधानसभा के छतूह ब्लॉक में पहुंची, जहां वो जनसंवाद विकास यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से लगभग आधा दर्जन गांव के लोगों से रूबरू हुई और उनकी समस्याओं को भी सुना। स्मृति ईरानी सर्वप्रथम छतूह ब्लॉक के बैढ़ोना गाँव पहुंची, जहाँ लोगों से उनकी समस्याओं को बारीकी से उन्होंने जाना और इस दौरान मीडिया से भी रूबरू हुई। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा कि बदलाव की भावना से हम अमेठी आए और बदले की भावना से हम अपनी राजनीति नहीं करते। मैं आभारी हूं कि आपने आज स्वयं इस बात का प्रमाण देखा कि वाड्रा खानदान और गांधी खानदान का एक कार्यकर्ता समर्थक हमारे पास आया कि उसकी एक दरकार थी जिसको हमने पूरा किया। प्रशासनिक मर्यादा में रहकर जनता के साथ पक्षपात न, हमारी बहन ने कहा कि हमारे पे अधिकार नहीं है, हमारी बहन ने कहा कि हमारे पे अधिकार नहीं है। राजधानी भोपाल में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे, बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा। बताते चले कि भोपाल के तलैया क्षेत्र में एक बदमाश ने मोती मस्जिद स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग के गार्ड पर छुरी से जानलेवा हमला कर दिया। वो चोरी करने की नीयत से बिल्डिंग में घुसा था। पुलिस ने बताया कि चौकीदार निर्माणाधीन बिल्डिंग में लेटा हुआ था, तभी आरोपी ने आकर उसकी जेब से पैसे चोरी करने की कोशिश की। जब आरोपी को पकड़ा गया तो उसने छुरी से गार्ड पर हमला कर दिया। हालांकि आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। ये चौकीदार है तीरथ सिंह, जो मूल रूप से सागर जिले का रहने वाला है और यहाँ पे निर्माणाधीन में चौकीदारी कर रहा है। तो रात में उस भवन के परिसर में लेटा हुआ था। तो आरोपी अमान ने इसकी जेब में इसके पैसे चोरी करने की नियत से हाथ डाला था, तो ये इसने उसको पकड़ दिया था। तो इसके परिणाम स्वरूप इसने हमला कर दिया और इसको चाकू से चोटें पहुँचाई हैं। तो इसमें हमने उपयुक्त धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया और विवेचना कर रहे हैं। आरोपी को हमने पकड़ लिया। चोरी की नियत से ही घुसा था? जी हाँ, क्योंकि उसने चोरी की नियत से फरियादी के पैंट के जेब में हाथ डाला था। भोपाल नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की सीनियर पार्षद शाबिस्ता जकी पर गुरुवार देर रात दो युवकों ने बेसबॉल के बैट से हमला कर दिया। घर के सामने कार पार्किंग की जगह को लेकर ये विवाद हुआ था। हमले में जकी के पति और कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष आसिफ जकी को भी चोटें आई हैं। दोनों को चिरायु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यह हमला किया गया है, नेता प्रतिपक्ष पर जानलेवा हमला किया गया है। इस दौरान काफी गंभीर चोटें आई हैं दोनों को और अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है जहां पर इनका इलाज जारी है। आतंकवादी हमारे घर के पास रहता है, एक आतंकवादी पीएफआई के अंदर उसका केस रजिस्टर्ड हुआ था, वो बीजेपी का समर्थक और उसका बाप बीजेपी पार्टी के अंदर है और बीजेपी का ऑफिस उसने हम लोगों के इधर खोला, पार्किंग भी नहीं करने देता किसी को, और सीएम हाउस के अंदर उसका बाप नौकरी करता है महमूद, और उसने पैसे देकर अभी पुलिस को पैसे देकर और कहां कहां जुगाड़ लगाकर अपने लड़के को पीएफआई के केस से हटाया, और उन लोग भी पूरे मोहल्ले में आतंक मचा रहे हैं, उसकी माँ, उसका भाई यासिर और उसका छोटा। थाना श्यामला अंतर्गत एक संपत्ति है जिसको एक पक्ष ने क्रय कर लिया है, और जिस पक्ष ने क्रय किया है उनका ऐसा कहना है कि उस संपत्ति को ये दूसरा पक्ष है आसिफ जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन